नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। मंगलवार को महिला शिक्षक रजनी बाला और उसके पति राजकुमार दोनों पिछले 3 साल से कुलगाम जिले में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। रजनी की तैनाती सरकारी स्कूल गोपालपोरा में थी। रोजाना की तरह वो स्कूल के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाए आतंकियों ने उसके स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। खून से लथपथ शिक्षक को स्कूल के स्टाफ और अन्य लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पहले आतंकियों ने 12 मई को बड़गाम जिले के चाडुरा तहसील कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। इस महीने हुई 7 लक्षित हत्याओं में 3 पुलिसकर्मियों और 4 नागरिकों की जान ले ली गई है। अब बातें हैं कि महीने में कितनी हत्याएं हुई हैं। तो चलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। 2 जून को कुलगाम जिले में एक बैंक प्रबंधक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 31 मई कुलगाम के गोपालपोरा में हिंदू महिला शिक्षक रजनी बाला की हत्या। फिर 25 मई बड़गाम में घर पर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या। उसका 10 साल का भतीजा हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं 24 मई श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की हत्या। उसकी 7 साल की बेटी घायल हो गई। 17 मई बारामूला में शराब दुकान पर ग्रेनेड हमला। राजौरी के सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए। 13 मई पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की हत्या। फिर 7 मई श्रीनगर में डॉक्टर अली जान रोड पर आईवा ब्रिज के पास आतंकवादी हमले में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत। आखिर ये कश्मीर में चल क्या रहा है? कब तक लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।